चतरा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। हजारीबाग डीएसपी विमलेश त्रिपाठी के नेतृत्व में पहुंची एसीबी की टीम ने घूस लेते पंचायत सचिव और प्रखंड समन्वयक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिद्दौर प्रखंड कार्यालय के समीप निगरानी की टीम ने यह कार्रवाई की है। पंचायत सचिव कमलेश वर्मा को 5,000 और प्रखंड समन्वयक सीताराम रजक को 2,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम दोनों को अपने साथ हजारीबाग ले गई, जहां पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसीबी हजारीबाग के एसपी आरिफ इकराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मनरेगा की 15वीं वित्त आयोग की योजना के तहत निर्मित सोख्ता और वाटर हार्वेस्टिंग का वैसा भुगतान करने के नाम पर लाभुक पहरा गांव निवासी सूरज साव से घूस मांगी गई थी। सूरज के द्वारा योजना के तहत 11 सोख्ता और 3 वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराकर 1,00,000 रुपए का एमबी कार्यालय में जमा किया गया था। इस बाबत लाभुक को पूर्व में ही कार्यालय के द्वारा 20,000 का भुगतान भी कर दिया गया था। शेष 80,000 का भुगतान करने के बदले पंचायत सचिव कमलेश कुमार वर्मा व प्रखंड समन्वयक सीताराम रजक द्वारा घूस मांगा गया था, जिसकी शिकायत लाभुक ने एसपी हजारीबाग से किया था। एसपी ने बताया कि लाभुक के शिकायत के सत्यापन में आरोपों की पुष्टि के बाद डीएसपी विमलेश त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम भेजकर जाल बिछाते हुए दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एसीबी टीम हजारीबाग द्वारा जिनके नेतृत्व करता हमारे डीएसपी विमलेश कुमार थे, इनके और इनके गठन जो दल एसीबी की जो दल को गठन किया गया था, इनके द्वारा चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड के दो एक कर्मी थे, एक पंचायत सेवक कमलेश कुमार वर्मा और दूसरे प्रखंड समन्वयक सीताराम रजक, इनको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जिसमें कमलेश कुमार वर्मा के द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत वादी सूरज साव से प्राप्त किया गया और प्रखंड समन्वयक सीताराम रजक के द्वारा 2,000 रुपया रिश्वत के साथ रंगे हाथ इनको सुबह आज करीबन 11-12 बजे इनको इनके कार्यालय से इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये काम ये जो सूरज साव जो आवेदक हैं, इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी कि गिद्धौर प्रखंड में ये चापा नल का सोख्ता और इसका वाटर हार्वेस्टिंग का ये काम करते थे, जिनमें इनका 1,00,000 रुपये ड्यू था, 20,000 रुपये इन्हें पहले मिल चुका था और शेष बचे राशि के लिए इन्होंने जब ये दोनों कर्मी से जाके बातचीत की तो इनके द्वारा ये रिश्वत की मांग की गई। इस रिश्वत में हम लोगों ने इसका प्रॉपरली वेरिफिकेशन करवाया और आज दिनांक 27/9/2023 को सुबह प्रखंड कार्यालय से ही इन्हें रंगे हाथ हम लोगों ने 5,000 और 2,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया, विधिवत गिरफ्तार किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमंडलीय हजारीबाग प्रमंडल का। इस वर्ष ये नवा ट्रैप है और ये हम कोशिश करते हैं कि आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से ये एक थोड़ा मैसेज भी जाए कि एसीबी एक्टिव है और थोड़ा सा भ्रष्टाचार में कमी आए, ये माध्यम से भी ये इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए लोगों में। ठीक है, थैंक यू। किसी भी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने IIBF एग्जाम पास नहीं किया है तो आज ही संपर्क करें CSC एकेडमी मोहनपुर से, जिसका पता है तपोवन रोड अमीलवा देवघर, मोबाइल नंबर 9570973987 या लॉगिन करें www.krishnacomputeracademy.com.in पर। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए BKD न्यूज झारखंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।